ठीक है। हाँ। Hey guys, welcome back to my channel। तो जो आज के व्लॉग का टॉपिक होगा वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहे हैं और यहाँ से बाहर हम निकल नहीं सक रहे हैं, कहाँ जाएं, कितनी मतलब आउटर व्लॉग नहीं बन रहे हैं और घर पे रह के मैं क्या ही व्लॉग बना लूँ, कितना आपको क्या दिखा लूँ, है ना घर पे। तो चलिए, मैंने सोचा कि आज जो मैं डे आज का जो डे है इस डे में मैं आज क्या क्या कर रही हूँ वो दिखाती हूँ मैं आपको और उसका व्लॉग बनाती हूँ। तो चलिए जल्दी से हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये देखिए फ्री टाइम में क्या कलाकारी कर रही हूँ मैं अपने हाथों में। तो चलिए जल्दी से हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना एक पार्सल ऑर्डर करा हुआ था कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने एक पार्सल ऑर्डर करा था हैप्पी बर्थडे का मीशो से, तो वो पार्सल तो आ चुका है बट वो प्रॉपर एड्रेस में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पिंड है ना तो यहाँ पे वो आ नहीं रहा है। तो मैंने अभी किसी लड़के को बोला हुआ है कि आप जाओ और उससे सामान लेकर आओ। सो हम अभी बैठ के बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी उस पार्सल वाले का मुझे फ़ोन आया और वो कहता मुझे कि मैम आप मुझे ये एड्रेस बता दो, और मैं यहाँ पे हूँ नहीं और मुझे ख़ुद को एड्रेस नहीं पता। तो फिर मैंने किसी को कॉन्फ्रेंस कॉल में लगाया और उन्होंने डिलीवरी बॉय को एड्रेस समझाया है। तो अभी मैंने किसी को भेजा हुआ है पार्सल रिसीव करने के लिए, तो देखते हैं वो कहाँ तक आते हैं और कितनी देर में पहुँच जाते हैं। तो जो ऑर्डर मैंने करा हुआ है मीशो से वो मैंने रजनीश के बर्थडे के लिए करा हुआ है, और रजनीश को भी इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं है। वो मतलब 2-3 दिन तक यहाँ वापस आ जाएंगे, और मैंने सरप्राइज़ प्लान करा हुआ है, मतलब डेकोरेशन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल सकती है, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा हुआ है बलून्स वगैरह सारा कुछ। तो ये सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी रहेगी। मैंने ये ऑर्डर मीशो से इस करके करा है, आप लोग बोल रहे हो कि बलून्स वगैरह तो यहाँ भी मिल जाते होंगे, यहाँ मिल जाते हैं बट जिस टाइप के मैं बलून्स ढूंढ रही हूँ ना वो यहाँ नहीं मिलेंगे। सिंपल बलून तो मिल जाएंगे बट वो मेटेलिक बलून्स हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगे। और अभी मैंने ऑर्डर करा हुआ है, डिलीवरी बॉय का भी मुझे फ़ोन आ चुका था, तो उस लड़के को मैं भेज चुकी हूँ बट वो लड़का अभी तक नहीं आया है मेरे पास। तो ओ ये चिड़ियों ने क्या कारनामा करा हुआ है, सुबह से लगी हुई है चिड़ियाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ चिड़ियों ने क्या कारनामा करा हुआ है। तो ये देखिए ये हैं चिड़ियों के काम, ये और यहाँ देखिए ये देखिए ये अपना घोंसला बना रहे हैं, इन्हें जगह नहीं मिला कोई घोंसला बनाने के लिए, और यहाँ पे इतना गंद डाल के गई है। यहीं पे देख रही हूँ चिड़िया लगी हुई है अपना घोंसला तैयार करने के लिए, बट यहाँ पे कैसे घोंसला बन सकता है, और हम उन्हें उड़ा भी नहीं सकते ना, तो वो खुद ही चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा आना जाना बार बार लगा रहेगा, तो वो उनको डिस्टर्बेंस होगी तो वो खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। एक और घोंसला चिड़ियों ने बनाया हुआ है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है सेकेंड घोंसला, ये दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये देखा आपको बड़ा सही घोंसला बना रखा है बट वो यहाँ रहते नहीं हैं अभी, ये रहा। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक घोंसला बना रखा है, वो पीछे जो पेड़ दिख रहा है ना आपको ये वाला, इसमें बना रखा है। तो यहाँ भी वो नहीं रहते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा बार बार आना जाना लगा रहता है तो उनको डिस्टर्बेंस होती है, इस करके वो यहाँ पे मतलब रहते नहीं। घोंसला तो उन्होंने बना लिया हुआ है पर वो यहाँ पे रहते नहीं हैं, और शायद वो भी आ रहा है मेरा पार्सल लेके, तो उससे पहले मैं पार्सल ले लूँ। हाँ, दे वीडियो बना लूँगी। सो फाइनली यहाँ पे मुझे मेरा पार्सल रिसीव हो चुका है, और पहले इसे ओपन करके देख लेते हैं सारा सामान प्रॉपर है या नहीं। तो मेरे डेकोरेशन का सामान सारा आ चुका है, तो ये उस लड़के ने ही फुला दिया जिसको मैंने भेजा हुआ था, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसने वाई फुला के पहले से रख दिया है। और डेकोरेशन के अंदर ये वाले जो ये है ना
ये और ये दो हैं, ये गोल्डन कर्टन्स है, ये 30 पैक ऑफ बलून्स हैं, और ये हैं कैंडल्स, और इसके साथ मुझे मिले हैं दो स्टार बलून्स, और इसमें उन्होंने टेप भी दी हुई है, और ये है हैप्पी बर्थडे 13 लेटर्स। सो थैंक यू मीशो कि आपने मेरा पूरा पार्सल अच्छे तरीके से मुझे डिलीवर किया, और बिल्कुल सही टाइम पे डिलीवर किया है आपने, मतलब टाइम के पहले ही आपने डिलीवर कर दिया था मुझे। तो 5 स्टार की रेटिंग मैं आपको देने वाली हूँ मीशो, और ये सारा सामान ना यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पहले पता था, तो इस करके मैंने पहले ही सारा डेकोरेशन का जितना सामान था ना वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है, ताकि मुझे बाद में तकलीफ ना हो। और ये हमारा मतलब जब से हमारी मैरिज हुई है तो ये फर्स्ट बर्थडे है कि हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि सारा जो भी डेकोरेशन हो ना वो प्रॉपर हो, और जहाँ तक यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकती है ना मेरे से गांव में, वहाँ तक मैं करूँ। तो जहाँ तक हो रहा है मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, जो नहीं मिल रहा है ऑनलाइन वो यहाँ से ख़रीदना पड़ेगा, जैसे केक है वो मैं ऑनलाइन नहीं कर सकती, और तो वो मुझे यहाँ से जाके ले आना पड़ेगा। सो चाय का टाइम भी हो चुका है यहाँ पे, मतलब 1 घंटे लेट ही पी रही हूँ मैं, चाय 4 बजे पी लेती हूँ, बट आज 5 बज गए हैं, तो पहले चाय बनाती हूँ फिर पीती हूँ, फिर आगे ब्लॉग कंप्लीट करूँगी। चाय के साथ साथ मैंने थोड़े से फ्राइड राइस भी बना लिए हैं, भूख लगी थी मुझे तो मैंने सोचा कुछ मैगी बनाने से अच्छा कुछ फ्राइड राइस वगैरह ट्राई करूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, और आपको पता ही है कि आगे मैं क्या बोलती हूँ और क्या करना है आपने, तो लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।